वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है सर्कल। सर्कल्स को फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि रेडियस हमारे पास क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है। तो सर्कल हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। इसका जो मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से हम कहीं भी चले जाते हैं इसके, ठीक है, पॉइंट यहाँ से यहाँ चले जाएँ या यहाँ से यहाँ चले जाएँ तो डिस्टेंस इक्वल ही होगा, ठीक है। सेंटर पॉइंट से हम किसी भी पॉइंट पे चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक चले जाते हैं तो यहाँ से यहाँ चले जाएँ या यहाँ से यहाँ कहीं भी चले जाएँ तो डिस्टेंस इक्वल ही होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ तो डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, तो सर्कल है। क्या सर्कल इज़ अ पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट्स विच इज़ ऑलवेज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट से कहीं भी हम चले जाते हैं मिड पॉइंट से तो डिस्टेंस इक्वल ही होगा, तो ये सर्कल होता है। फिर सर्कमफेरेंस की बात की जाए तो बाउंड्री जो सर्कल की होती है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कल बना हुआ है, इसका जो बाउंड्री है वो सर्कमफेरेंस है। फिर डायामीटर की बात की जाए तो डायामीटर हमारे पास क्या होता है, ये सर्कल है ना, ये इसका डायामीटर होगा ये, ठीक है, ये डायामीटर है। कि लाइन विथ ज्वाइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या बताई है, बाउंड्री। तो वो लाइन जो कि ज्वाइन करेगी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। सर्कमफेरेंस क्या हुआ, ये आउटर बाउंड्री, ये हमारे पास जो बाउंड्री है सर्कल की उसको हम सर्कमफेरेंस कह रहे हैं। तो फिर डायामीटर हमारे पास क्या हुआ कि ऐसी लाइन, ये लाइन है ना जो ज्वाइन कर रही है, ठीक है, और टू पॉइंट्स के साथ, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, और ज्वाइन किसको कर रही है, सर्कमफेरेंस को, ठीक है, ऑन द सर्कमफेरेंस एंड पासिस थ्रू सेंटर ऑफ ए सर्कल। और यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से ये लाइन गुजर रही है, सेंटर, सर्कल के सेंटर से गुजरती हुई जा रही है। सर्कल का सेंटर कौन सा है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट की लाइन। तो ये इसने एक पॉइंट पे टच किया सर्कमफेरेंस को, आगे ये लाइन आई, ये सेंटर से गुजरती हुई, एट द एंड हमने जब यहाँ पे स्टॉप किया तो ये सेकंड एंड है इसका, तो ये टू एंड्स जो हैं टच हो रहे हैं सर्कमफेरेंस पे, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, हो गया, ठीक है। फिर ये हमारे पास क्या बन गया, ये डायामीटर है हमारे पास, ठीक है। एक लाइन यहाँ से आई और वो सेंटर से गुजरी और उसका अदर एंड जो है यहाँ पे टच हुआ तो टू एंड्स हो गए, तो ये हमारे पास डायामीटर हो गया। और रेडियस हमारे पास क्या होता है, हाफ है डायामीटर के, हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। लाइन फ्रॉम सेंटर जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑन ए सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस। क्या है हमारे पास रेडियस की डेफिनेशन, कि हम लोगों ने यहाँ डायामीटर में क्या था, यहाँ से स्टार्ट की लाइन, इसका एक एंड जो है यहाँ से स्टार्ट किया और ये सर्कमफेरेंस से टच होता हुआ सेंटर से गुजरा और उसका अदर एंड जो है यहाँ पे टच हो गया आगे कहाँ, सर्कमफेरेंस पे, ठीक है। तो इसके टू एंड सर्कमफेरेंस को टच कर रहे हैं टू पॉइंट्स पे। इसका क्या है, सेंटर से स्टार्ट हो रहा और सिर्फ एक इसका कहाँ पर आके टच करेगा सर्कमफेरेंस को, इसका एक पॉइंट टच आके करेगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक स्टॉप हो गया, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है डायमीटर और यहाँ तक जाता है, और रेडियस हाफ सेंटर से स्टार्ट होता है सर्कल के और यहाँ तक बाउंड्री तक सर्कमफेरेंस तक, यहाँ तक हमने कर दिया। आप यहाँ से यहाँ तक कर लें या इसका कहीं भी टच करवा दें, यहाँ से यहाँ तक कर दें तो वो भी रेडियस ही होगा, यहाँ से यहाँ कर दें तो वो भी रेडियस ही होगा, ठीक है। हाफ ऑफ ए सर्कल को हम रेडियस कहते हैं, और जो ये हमारे पास पूरा होता है ये डायामीटर होता है सर्कल का। फिर सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या होती है, बाउंड्री होती है, और सर्कल क्या है, ये सर्कल है। होप सो आपको इन सब का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, सर्कल का, सर्कमफेरेंस का, डायामीटर का और रेडियस का। आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।